बहुत बढ़िया जो गंध था जो बीजेपी ने अपने लोग निकल गए हैं। अब निरोल किसानी का, मजदूरों का और व्यापारियों का आंदोलन है। अब ये आंदोलन दून सवाया होके, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना दून सवाया, आगे और बढ़ रहा है। जो हमारा ट्रैक्टर रैली थी उसके लिए दिल्ली वालों ने जो हमारे ऊपर फूल बरसाए, हम धन्यवादी हैं हमारी लीडरशिप का। जो किसान लीडरशिप है उन्होंने बड़े ही संयम से, बड़े हौसले से इसको निभाया। और हम निंदा करते हैं उन बीजेपी वालों की जिन्होंने इतनी गंदी और इतनी घिनौनी हरकत की। हमारे देश के जो धरोहर है लाल किले में, वहाँ जाकर किसानी रूप लेकर वहाँ जो एक जो दूसरा झंडा लहराए, किसानी का झंडा जो धार्मिक झंडा लहराया, उसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि ये झंडा किसी किसान ने नहीं लहराया, ये बीजेपी ने खुद लहराया है। कोई भी किसान, आप भी जाते होंगे, हम भी जाते होंगे, दिल्ली की सड़कों पर हम जाते हैं तो चाहे हम 100 बार गए हों तो भी हम रास्ता भूल जाते हैं। हमारे किसानों को रास्ता खोल के वहाँ लाल किले तक ले जाया गया। वहाँ ले जाके जो आगे ट्रैक्टर लगे थे वो हम ही नहीं जानते, तो ट्रैक्टर वाले को क्या रास्ते का पता होगा। ये सब बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने ही करवाया है। क्योंकि हम आगे क्या रहेगा, रूपरेखा कैसे रहेगी आगे की रूपरेखा? जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का कल जो आदेश आए हैं, 30 तारीख को हम एक दिन का अनशन रखेंगे और उसके अलावा जो भी हमारे ऊपर की जथेबंदियों के जो संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश आते हैं उसी के आदेश के अनुसार ही हम करेंगे। आज को मैसेज वायरल हुआ था कि की बिल्कुल नहीं हटने देंगे। जब तक हमारा आंदोलन चलता है, जब तक ये तीनों काले कानून जन जन विरोधी सरकार वापस नहीं करती, तब तक हम डटे रहेंगे। कल एक छोटा सा मैसेज वायरल हुआ था कि ये टोल खोलना है, तो आज हज़ारों की संख्या में किसान आ गए हैं और आ रहे हैं। चाहे हमें हमारे ऊपर से गाड़ी निकालने का इनको आदेश हो, निकाल लें, हम मरने के लिए चलने के तैयार हैं, लेकिन आंदोलन को ठंडा नहीं होने देंगे। बिल्कुल शांतमय तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे थे, चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। साथियों, जिदा कि तुहानू पता है कि बहावदीन टोल प्लाजा जिहड़ा पिछले काफ़ी दिनों तो लगातार 25 तरीक तो बंद है, अज सरकार अपनी कोचिया हरकतों से आ चुकी है। सरकार ने इतने फोर्स भेजी है, नेड़ के पिंडा च एक जन समूह जोड़ा है वह इकट्ठा होकर आ गया है। जोड़ा बहावदीन टोल प्लाजा है, किसी भी कीमत से इसमें जो पर्चियां नहीं लाइन दिखाई जाएगी, पर्ची मुक्त रहेगा। सारे किसान एक ने एक सर, आज फिर से एक बार टोल नाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या वजह है? कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का काम है और हमने यहाँ सिरसा के अंदर बहावदीन टोल प्लाजा है उसमें हमने एक कंपनी इधर लगा रखी है और ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे और कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और हम कानून व्यवस्था बनाए रखें। अभी किसानों से बातचीत चल रही है और जो हमारे टोल के है, जो टोल मालिक है ये और यहाँ पर ड्यूटी जो प्रबंधक अफसर है इनका टोल का, तो वो इनसे बातचीत करें, अभी टोल हमारे को चलाने की अनुमति दी जाए। वो कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है और कोई तोड़फोड़ होती है तो ऐसा हम नहीं होने देंगे और अपने वो लीगल तरीके से साइड में होकर बैठे अपनी बातचीत करें तो ठीक है।